आ गए एयरपोर्ट, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, 11 बजे चेक इन स्टार्ट होना था। बहुत ज़्यादा रश आ गया एयरपोर्ट में जी। तो बोर्डिंग वगैरह हो गई है, 21 नंबर गेट है और जैसा कि आपने देखा, तो अभी जा रहे हैं हम अपनी जो है ना लॉन्च वाली साइड पे, यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। 2 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो सारी अपडेट मैं कहीं बैठ के आपको देता हूँ। ये सुबह के 2 बजे हैं, यानी कि रात के 2 बजे, क्योंकि ये इसमें अगली डेट आ जाती है। ये टिकट सस्ती थी, एक 10 बजे भी टिकट यहाँ से फ़्लाइट गई है, बट वो फ़्लाइट थोड़ी सी जो है ना महंगी थी और ये वाली फ़्लाइट सस्ती थी। ये हॉल है जी, बैठ सकते। वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड में एंट्री हो गई है हमारी ऑफिशियली, ठीक है। तो कहीं बैठ के मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि क्या था, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, सारा कुछ। यार 6.5 घंटे की फ़्लाइट थी, बिल्कुल नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं थी। तो बस अभी इधर ही मेरी इमिग्रेशन हो गई है, कुछ भी नहीं पूछा उसने, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल बताता हूँ। मेरे पास वैसे चेक इन बैग है नहीं, जिनका चेक इन बैग है उनको वो बैग का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ जो है ना हैंड कैरी है। तो बस मैं हैंड कैरी के साथ ही जाऊँगा यहाँ पर। यहाँ पर चेक वगैरह पूछते हैं, अपना करेंसी एक्सचेंज कराता हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ तो चाहिए होगी करेंसी एक्सचेंज। मेरे पास करेंसी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं लाया, और कुछ भी उसने नहीं पूछा कि भाई किधर से आए हो, किधर जा रहे हो, क्या करना है, रिटर्न टिकट कहाँ है। पाकिस्तान में तो बंदे का मगज़ खा जाते हैं यार, ना शारजा में पूछा और ना इधर पूछा। चलें मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ये एयरपोर्ट का अंदर का मन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होसई खान, आपके चैनल एसके ट्रैवलिंग में। तो मैं आपको चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो kindly ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बैंकॉक थाईलैंड से खुश आमदीद। तो बैंकॉक पहुँच आया हूँ मैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान में बड़ा हमें जो है ना प्रेशराइज़ किया गया था, और मेरी टिकट भी जो है ना ऑलमोस्ट ज़ाया ही समझे उसको। तो अभी जो है ना मैं आया हूँ शारजा से और पहुंच गया हूँ यहाँ पे। इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पिछली सीरीज़ है वो अच्छी लगी होगी, ठीक है, उज़्बेकिस्तान की और इजिप्ट की। अभी जो नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या वैसे घूमना चाहते हैं कम पैसों में, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप जो है ना 5-6 कंट्रीज़ इकट्ठे घूम सकते हैं। तो इस जो ट्रिप में हम कवर करने वाले हैं थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस का भी मैं वीज़ा ट्राई करूँगा, उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, और फिर हम आखिर में फिर बैंकॉक आएंगे, और बैंकॉक हम दोबारा जो है ना दोबारा री एंट्री वीज़ा लेंगे। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियोस में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये सारे जो कंट्रीज हैं ये लैंड बॉर्डर से हम क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई फ़्लाइट वगैरह मैं नहीं लूँगा। हाँ, जो इंडोनेशिया है, बाली, जकार्ता, उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी फ़्लाइट, क्योंकि वो बीच में समुंदर है, पानी है,
तो फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुँच रहा हूँ मैं, 8 नंबर गेट पर जाते हैं, वहाँ से जो है ना मेरे हॉस्टल की बस जाती है, लेमो बस सर्विस है, तो वहाँ से जाती है 8 नंबर गेट नीचे से। 8 नंबर गेट और 8 नंबर गेट इस साइड पे है, तो 8 नंबर गेट वाली साइड पे जाता हूँ। करेंसी थोड़ी सी मैंने चेंज करा ली है, रेट बहुत गंदा है यहाँ पे, तो बाहर जाके जो है ना रेट चेंज कराएंगे, कोशिश करेंगे कि लोकल कहीं मार्केट में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रेट मिल जाएगा। अभी जाते हैं बस वाली साइड पर, लेमो बस सर्विस है 8 नंबर बस, वहाँ पर जाते हैं 8 नंबर गेट की तरफ, ठीक है। आपने जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आना है तो निचले फ्लोर पर आ जाना है, ठीक है। तो आप क्योंकि जब एग्जिट करोगे तो आप ऊपर होगे, आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे से फिर 8 नंबर गेट है, ये है 8 नंबर गेट। पर अगर आपको बैंकॉक सिटी में जाना है तो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो इसका 25 बार टिकट है, तो मैं अब इसका पूछता हूँ इसकी टिकट कितने की है। डेमो बस सर्विस यहाँ बसें खड़ी हैं, अब वो कौन सी वाली है ये देखना पड़ेगा। हमारा हॉस्टल है उसका नाम है कोसान, और कोसान की अगर डायरेक्ट बस लेंगे तो 180 बात की, यानी 18 दिरहम की, जो कि बहुत महंगी है। तो मैं कोई और जो है ना तरीके से कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे 2-4 बसें और भी शुरू हो रही है। एक बस है उसको मुझे पता चला है कि 50 बात यानी कि 5 दिरहम उसका किराया है, ये समझ में आता है। क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है वो 27-28 किलोमीटर है, इतना दूर नहीं है ये शहर से ना, सिटी से इतना दूर नहीं है। तो अभी मैं उसी बस की तरफ और नीचे पिछले फ्लोर में आ गया हूँ, तो यहाँ पे पूछता हूँ, आई थिंक सो यहाँ पे मेट्रो ट्रेन है तो उसका पूछते हैं, शायद वो सस्ती होगी, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई साहब अगर आपको जल्दी जाना है तो जल्दी के लिए आपको फिर वही जो है लेमोजीन जो बस सर्विस है उसी में जाएं, लेकिन उसका 180 बात किराया है, बहुत ज़्यादा। तभी मैं मेट्रो ट्रेन में आ गया हूँ नीचे, ठीक है, ये उससे ज़्यादा बेसमेंट में है, क्योंकि किसी से भी पूछ सकते हैं आप मेट्रो ट्रेन का। और 35 बात इसका किराया है मकसान का, और मकसान से आगे फिर मुझे एक बस चेंज करनी है और या मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी आई थिंक सो, तो वहाँ से चेंज करके तो फिर मैं अपने हॉस्टल जा सकता हूँ। आई डोंट नो कि वहाँ का कितना किराया है, ज़्यादा हुआ तो 20-25 वहाँ का होगा, तो 50-60 जो है ना बाद में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी देखते हैं, ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं, ट्रेन अभी आने वाली है। जैसे क्लिप देख रहे थे आप, जब शारजा से वहाँ से फ्लाई करेंगे, ठीक है, तो कोई मुझे रिटर्न टिकट नहीं पूछा, ठीक है, और कोई होटल बुकिंग कुछ भी चेक नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए उसने कहा कि ठीक है जी, बोर्डिंग पास दे दिया और कह जी गुड लक टू योर जर्नी। तो उसके बाद जो है ना जो है एयर अरेबिया है, इसमें कोशिश करनी है वेट जो है पूरा पूरा लाना है, ठीक है। मैंने विदाउट लगेज वाली टिकट खरीदी थी, मैं लगेज नहीं लाता कहीं भी जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो आपने जब लगेज लाना है तो उसका पूरा लाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर महंगा पड़ता है ये और बहुत ज़्यादा फिर पैसे लेते हैं भाई साहब। तो इसलिए कोशिश करें कि वेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जस्ट लाइक विज एयर इनका भी सेम ही है, बट इनका चेक इन नहीं करना पड़ता पहले से, ठीक है, इनके चेक इन की ज़रूरत नहीं होती। तो इतना ही था जी, तो उसके बाद फिर उन्होंने कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं पूछा, ठीक है, ये लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन की वीडियोस नहीं मिल रही थी। और जो इसका जो एयरलाइन का रिव्यू है वो ये है कि इनके जो लेग स्पेस थी वो विज एयर से ज़्यादा अच्छी थी और ज़बरदस्त थी, मुझे तो अच्छी लगी है ज़्यादा बाकी फ्लाइट से। और तकरीबन 6.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट थी, बहुत मज़ा आया। खाना पीना इसमें नहीं होता इस टिकट में भाई, खाना पीना यहाँ पर ख़रीदना पड़ता है और आप यहाँ पर ले भी सकते हैं, 18 से 20 दिरहम में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। सीट आप उसको फ्री में ले सकते हैं, सीट आपको कोई भी जानो काउंटर पे आप कह दें उनको कि भाई हमें सीट दे दें, विंडो सीट, उन्होंने मुझे विंडो सीट खुद ही दे दी थी, बहुत अच्छा बना था, सूडानी था, उसने मुझे विंडो सीट खुद ही ऑफर कर दी कि यार आपको विंडो सीट चाहिए होगी, उसने मैं से कैमरा देख लिया। तो ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं यहाँ पर लैंड हुआ, इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, रिटर्न टिकट दिखा दो, कुछ तो दिखा दो, कोई सवाल नहीं किया। बेहतर देखा मुझे कहा उंगली रखो, मैंने 4 उंगलियाँ एक हाथ की रखी, 4 दूसरे हाथ की, फिर 2 अंगूठे रखवाए, उसके बोला ठीक है, उसके बाद बोला वेलकम। तो मतलब इस तरह का सीन है, कोई इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मेरी एक टिकट इन्होंने ज़ाया कराई है, ठीक है, धनाटा वालों ने, हारून नाम का मैनेजर था, इंतहाई जो है ना कोई अजीब किस्म का इंसान था। और मेरे पास हालांकि उस वक्त फ़्लाइट टिकट थी बैंकॉक से कंबोडिया की, फिनोम फिन की, बट मेरी वो टिकट भी ज़ाया हो गई, और जो श्रीलंका एयरवेज की टिकट थी वो भी ज़ाया हो गई, आपने पिछली वीडियोज़ में देख लिया होगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, थाईलैंड में बैंकॉक में किस चीज़ का कुछ नहीं पूछा। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि कैसे आप 5-6 कंट्रीज़ लैंड बॉर्डर्स के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। एक दफ़ा यहाँ एंटर हो जाइए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं, ट्रेन आ गई है हमारी, लेकिन जो पहले पैसेंजर थे वो उतर गए हैं, और अभी ये सिक्योरिटी चेक हो गया और अभी दोबारा हम इसमें जाएँगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि थाईलैंड बैंकॉक की मेट्रो कैसी है। ये मेट्रो है यहाँ की, अंदर से इस तरह है,
देखो यार बड़ी छोटी है इसकी। वैसे मैं तो सवा छः घंटे साढ़े छः घंटे की फ़्लाइट करके आया हूँ, तो बैठ बैठ के भी थक ही गए हैं यार बहुत ज़्यादा। मकासान, अब यहाँ से जो है ना अपना फिर जो है ना बस हमने चेंज करनी है, और जो चेंज करनी है उसका थीबेट बस टर्मिनल जाना है। थीबेट बस टर्मिनल हमने वहाँ जाकर उतरना है, हमारा हॉस्टल उसके करीब है, 700-800 मीटर है वहाँ से। ये इनके एलिवेटर और ये मेट्रो की ट्रेन की गर्मी भाई साहब, मेरे पास इंटरनेट नहीं है वरना मैं आपको टेम्परेचर बताता थाईलैंड की गर्मी। वैसे वहाँ तो अपने हमारे जो है ना कैप्टन साहब बता रहे थे कि 33 है, पता नहीं कितना बता रहे थे, तो यहाँ पे तो अच्छी खासी गर्मी है यार, वाक हो रही है। और यहाँ से दूसरा स्टेशन है वो यूनिवर्सिटी वाला, वो वहाँ से ऐसे चल के हमने वहाँ जाना है, और वहाँ से फिर जो है ना दूसरी ट्रेन में बैठना है, और वो थीबेट उतारेगी। थीबेट जो है मेरे हॉस्टल के करीब है, अब देखते हैं कि इसका कितना किराया है। गाड़ियाँ तो यार काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं, जब से देख रहा हूँ ये रुकी भी है, और काफ़ी सारा रश है यार, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। ये देखो बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है। उतर के ट्रेन से उतर के जो है ना फिर मैं जा रहा हूँ मकासान पे, उतर के आगे बस स्टेशन है, ठीक है, बस स्टेशन है, वहाँ से बस जाएगी और ट्रेन भी जाती है, और बस जल्दी पहुँच जाएगी। मैंने कहा चलो बस में ज़रा घूमते हैं, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम रहता है, क्योंकि 2 बजे जो है ना मेरे हॉस्टल की चेक इन है। तो अगर आपका प्लॉय हॉस्टल है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना वहाँ से डायरेक्ट मकासान की जो है ना A6 मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, उधर से बैठे और डायरेक्ट यहाँ आ जाए। यहाँ पे बस स्टेशन है वो सामने, वो वहाँ पे बस रुकती है, वो सामने वो ऑरेंज कलर की बस रुकी हुई है, तो वहाँ मैंने जाना है, तो वहाँ से फिर बस में बैठना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, पाकिस्तान वाली गर्मी है यार। यहाँ पे आ गया हूँ मैं अभी, ठोकर बस स्टॉप पे हूँ मैं, और 23G जो है ना बस जाएगी यहाँ से मेरे हॉस्टल की तरफ। अब अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं और ये अजाब नहीं काटना चाहते, तो फिर आप डायरेक्ट उसी बस में बैठे, अदरवाइज़ ये वाला ऑप्शन तो है ही है, चीपर ऑप्शन। 180 अगर बात दे के जाना है तो वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि 129 बात का ये हॉस्टल है मेरा, ठीक है। हॉस्टल का रिव्यू जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो अभी हॉस्टल की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ जाके इस वीडियो को फिर एंड कर देंगे। तो 23 बस का मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे 11 नंबर बस जा रही है, बड़ी पुरानी बस थी। तो यहाँ पे भी जो ड्राइविंग है वो राइट हैंड साइड पे है, और दूसरा जो एयर अरेबिया के एयरक्राफ्ट हैं अच्छे हैं, ठीक हैं, इनका जो है ना सिस्टम भी सही था। बाकी उसमें यह है कि उसके अंदर जो है ना आप जब बैठते हैं तो मोबाइल फ्लाइट मोड पर लगा के आपने क्या करना है, वाईफाई ऑन करना है, फिर आपने जो है ना एयर अरेबिया के साथ कनेक्ट करना है, उसके बाद फिर सामने QR कोड होगा उसको जो है ना आपने स्कैन करना है। उसमें यह है कि फिर आपको बहुत सारे मूवीज़ इंडिया की, पाकिस्तान की, हॉलीवुड की सारी मूवीज़ वगैरह उसमें आ जाती हैं, एंटरटेन हो सकते हैं, ड्रामे भी हैं पाकिस्तानी उसमें जो है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी बस का इंतज़ार है, तो आपको मैं हॉस्टल दिखाता हूँ, फिर वहाँ जाके वीडियो एंड करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यार भाई साहब, पसीने से बुरा हाल होता जा रहा है यार। आपको स्टाफ से साइड पे आ गया था, मैंने कहा चलो यहाँ पे सिम चेक करते हैं, तो एयरपोर्ट पे थी 300 बात की सिम, 15 GB 8 दिन के लिए। मैंने कहा शायद यहाँ चेक करते हैं, बट यहाँ पे कोई मुझे फ्रेंचाइज नहीं मिली, तो अभी जाता हूँ उधर ही, हमारा जो हॉस्टल है वो डाउनटाउन के करीब है, तो वहीं पर फिर लेंगे आप, फिर वापस अपने स्टाफ पे जा रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, पसीना आप देख रहे होगे, अच्छा भला पसीना आ जाते हैं यार। अच्छा वैसे ना हॉस्टल की ना डायरेक्ट भी बस जाती है, उन्होंने मुझे पहले मेल कर रखी थी, गेट नंबर 7 से जाती है, 60 बाद लेती है, या गलबन 50 बाद, ठीक है, तो वो मैंने नहीं ली, वो डायरेक्ट हॉस्टल की शटल है वो। एक्चुअली मैं यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखना चाह रहा था, जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहला जो प्रेशर होता है उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को होता है, बस वो देखना चाह रहा था मैं, इस वजह से मैं यहाँ रुका हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना बस स्टॉप पर जमा हो गए, मैं भी बस वापस ही आ गया हूँ। सारी चीज़ें बताया गया, ये नहीं बताया कि एयरपोर्ट कौन सा है। यहाँ पे ना बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, सो
शवरमा भूमि जो एयरपोर्ट है मैं उस पर उतरा हूँ, ठीक है। तो यही एयरपोर्ट सही है और ज़्यादातर फ़्लाइट इसी की सस्ती मिलती है, दूसरी की फ़्लाइट महंगी होती है, ठीक है। जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं वो यहाँ पे आती हैं, एयर अरेबिया है जो डायरेक्ट आती है, बाकी जो है ना कतर एयरवेज है उसकी 1800 की टिकट थी आने जाने की, वो बहुत महंगी थी, ठीक है। तो कल जो है ना मैं यहाँ पे मल्टी इसका जो मेरा सिंगल एंट्री वीज़ा है ना इसको मैं कल मल्टीपल एंट्री कराऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्यों कराऊंगा, उसकी वजह मैं कल बताऊंगा, ठीक है। बस नहीं आ रही यार, काफ़ी टाइम हो गया मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बाकी सब पुरानी आ रही हैं, हमारी बस नहीं आ रही है। अभी इन मोहतरमा को बोला है मैंने कि यार हमारी बस नहीं आ रही है, मैंने लोकेशन चेक कराई है तो कह रही हैं कि बस आने वाली है 2 मिनट में ना, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट पर शो होती है कि बस आ रही है, मुझे आई है। तो एक सिक्योरिटी वाले थे बाबा जी, उन्होंने मुझे मैंने उनसे पूछा था तो वो फिर मुझे कहते हैं कि यार दोबारा मुझे बताने आया कि 23 बस है आपकी, हालांकि मैंने नेट पे देखा था लेकिन फिर मैं उनसे कंफर्म किया था, बट बेचारे फिर दोबारा मुझे वहाँ से बताने आए कि यार 23 बस में आपने बैठना है, दूसरी में नहीं बैठना। लेकिन ठीक है, तभी बस का वेट है, बस आने वाली है आई थिंक, सो ये स्टाफ है सामने वाला। हाँ गई जी हमारी बस, ये उधर जाएगी हमारे एरिया में, आ गई हमारी बस तकरीबन 10 मिनट बाद। चलो बैठते हैं, किसका किराया कितना, 8 बात की टिकट है, ये वाली टिकट मुझे पकड़ा दी है छोटी सी, अब आई थिंक सो इसमें कहीं भी जा सकते हैं। मैं मोहतरमा से दोबारा पूछ मिलो, आई कैन गो एनी वेयर द सेम प्राइस ऑन द सेम टिकट, आई कैन गो एनी वेयर ऑन द सेम जस्ट एट सेम प्राइस ऑन द 8 बात ओनली, ओके वेरी चीप। हाँ जी सनी, सिर्फ के एक दिरहम है, तकरीबन 8 कुछ बात का एक दिरहम है ना, एक दिरहम में यानी कि आप जहाँ मर्जी जाएँ। बस का मंजर है जी, और यहाँ से ये विंडो सीट है, इसको पकड़ के आ गई। ये देखो टुक टुक यहाँ की वेरी मच फेमस, बहुत लंबी लाइन है। प्लाटिनियम, ये है प्लाटिनियम फैशन मॉल, बहुत बड़ा मॉल है यार, बहुत जबरदस्त टॉपर है, क्या सलेंसर है, क्या बड़े बड़े टायर सलेंसर गाड़ी की जितना रिम लगाए हुए हैं, वाह जी वाह, ये कोई बड़ा मॉल है यार, यहाँ आएंगे फिर। उतर गए जी हम यहाँ पे, और साथ ही हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल की साइड जाता हूँ, हॉस्टल का नाम है प्लॉय हॉस्टल, और हॉस्टल जाके मिलते हैं, वाह जी वाह बड़ी ज़बरदस्त। इस जो एरिया में अभी बस आई है ना, ये एरिया बड़ा मज़े का है यार, ये मैं आपको ना एक्सप्लोर कराऊँगा कल। धूप के क्या कहने और गर्मी की क्या कहने भाई साहब, अच्छी खासी गर्मी है यार। एयरपोर्ट पे मैंने क्यों सिम नहीं ली, ठीक है, एयरपोर्ट पे सिम ना लेने का ये फ़ायदा है कि अब ये मुझे मिल रही है 200 बात की, वो भी 15 GB और 30 दिन के लिए, वहाँ पे मिल रही थी 400 रुपये की और 400 बात की, जो मेरा आई थिंक सिर्फ 300 की थी या 400 की थी, और वो 8 दिन के लिए था 15 GB, ये एक महीने के लिए। मैंने थाईलैंड से एग्जिट होना है और दोबारा फिर थाईलैंड आना है, तो मेरे लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एयरपोर्ट पर कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मैंने वहाँ पर करेंसी भी चेंज की थी बट मुझे 8 रेट नहीं मिला था, ठीक है, बट मजबूरन मुझे करनी पड़ी कि मैं वहाँ दुबई से कुछ भी लेके नहीं आया था, फिर मैंने यहाँ दिरहम दिए। और दूसरा एयरपोर्ट पे अगर आप करेंसी चेंज करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ना अगर आपके पास $100 है तो वो आपको चेंज नहीं करके देंगे, वो कहेंगे जो आपके पास नोट है हमने वापस नहीं करना, तो ये एक बड़ा इशू है। तो फिर मेरे पास दिरहम थे दुबई वाले, मैंने वही दे दिए, मैंने कहा चलो 200 दिरहम ही दे दो यार, फिर मैंने वो चेंज करा लिए। तो ये भाई साहब हैं, ये सिम हमारी एक्टिव कर रहे हैं, और 200 बात की 1 महीने के लिए, तो ये अच्छा हो गया, अभी मेरे पास इंटरनेट भी आ गया और अभी टेंशन नहीं है। तो अभी जा रहे हैं अपने हॉस्टल की जाने, हमारा जो हॉस्टल है उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो हॉस्टल है उसमें ना 6 बजे के बाद एसी चलाते हैं, उन्होंने पहले मुझे मेल की थी, मैंने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, बट अब प्रॉब्लम यह है कि यार अब गर्मी लग रही है, मुझे पहले पता नहीं था कि यार यहाँ पर इतनी गर्मी होगी ना, जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो वेदर जो है 28 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, अभी तो ज़्यादा गर्मी हो गई है। बहरहाल यह है कि थाईलैंड के बारे में मैंने बहुत काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, और फिर इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसको मैं आपके सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज यार मैं बहुत थक गया हूँ, कल सारी रात मैं सो नहीं सका,
11 बजे मैं एयरपोर्ट आ गया था और मेरी फ़्लाइट थी 2 बजे, तो 3 घंटे वहाँ बैठा रहा, फिर पूरी रात फ़्लाइट में जागता रहा, सारी फ़्लाइट खाली थी, मैं 3 सीटों पर लेटा रहा फिर भी मुझे नींद नहीं आई। तो ये माजरा है सारा। तो सिग्नल खुला है, फौरन जो है ना निकलते हैं यहाँ से, है ना। ये जो एरिया है ना, ये खोसान एरिया है, और खोसान एरिया में 3-4 हॉस्टल अभी पीछे गुजरे हैं, मैंने तीनों से पूछा है, बेस्ट पेड होटल है, एक खोसान हॉस्टल है, ठीक है, तो उसमें भी 150 बात है, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ 128 है, यानी कि 130 बात है। तो ये भी देखें, ये भी एक हॉस्टल है। तो इस तरह के ना यहाँ हॉस्टल काफ़ी सारे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो मैंने उसी में ना प्लॉय हॉस्टल में किया हुआ है, इसमें भी एसी नहीं चल रहा था, मैंने देखा है अभी, एक इंडियन भाई मिले थे दिल्ली से थे, तो वो भी गर्मी में बैठे थे, कह रहे थे यार एसी नहीं चलाते थे इनको, यार शाम को 6 बजे एसी चलाते हैं, तो ये बड़ा पंगा है।